तो क्रिसमस की धूम हर जगह नजर आ रही है, कहीं जश्न है, कहीं प्रार्थनाएं हैं, कहीं क्रिसमस की धुन में चर्च गूंजे हैं, सेंटा ने गिफ्ट्स बांटे हैं और खास तौर पर बच्चों में इसका क्रेज बड़ा नजर आता है। शहर शहर सजे हुए हैं और राजस्थान की आपको आज तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, जोधपुर से हमारे साथ जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं और जयपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई हैं मानसरोवर में, तो जयश्रिका हमारे साथ जीटी से जुड़ी हुई हैं। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। नवीन हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर की तस्वीरें देख लेते हैं और पूजा आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं? बिल्कुल मेगा, देखिए आज देश भर में क्रिसमस की धूम है और मेरी मौजूदगी है मार थॉमस चर्च में। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रही हैं कि अभी जो केक, जो एक क्रिसमस पे सबसे ज़्यादा फेमस होता है केक, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग यहाँ आए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, उनको केक दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। क्रिसमस की आज पूरे धूम है पूरे देश भर में, किस तरह से आज यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? बहुत ऐसा ये केक सब बांट के खुशियाँ बना रहे हैं। केक आप बांट रहे हैं तो मतलब लोगों को दे रहे हैं, खुशियाँ के लिए दे रहे हैं। केक के बारे में बता दीजिए। अच्छा, ये तो हम लोग क्रिसमस, ये प्लम केक स्पेशली होता है क्रिसमस के लिए। यहाँ पे देखिए इनका जो कहना है कि जो केक होता है वो क्रिसमस के लिए स्पेशली बनाया जाता है और ये बात कहीं ना कहीं सही है। काफी टाइम पहले से क्रिसमस का केक जो है उसकी तैयारियां, बनाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। लोग यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कैसे सेलिब्रेट करिए तो बताइए, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रही है? पहले सिटी पार्क गए, देन उसके बाद फेस्टिवल वगैरह, तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू। केक खाया? हाँ। मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट करो, मैरी क्रिसमस बोल दो। मैरी क्रिसमस। सेंटा का वेट है, सेंटा का वेट कर रहे हो? गिफ्ट्स तो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मेगा, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं, जैसा कि हमें बचपन में कहानियां सुनाई जाती थी कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमें गिफ्ट देकर जाएंगे, तो वो यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए वहाँ पर कैंडल का है। मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगी कि साथ चले और आपको एक तस्वीरें दिखाएं। चर्च में ये जो स्पेस है लोगों के लिए बनाई गई है जिससे वो यहाँ पर कैंडल को लगा सके, और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कैंडल्स जलाते हैं तो कहीं ना कहीं रोशनी देकर और रोशनी अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस चर्च में बहुत खास हैं, और ऐसी तस्वीरें सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान, पूरे देश में ऐसे देखने को मिल रही हैं। और ये तो वेस्टर्न फेस्टिवल है मतलब, पर यहाँ पर देश भर में हमारे इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। और सिर्फ पूजा लौटेंगे और जरा पूछेगा जब, क्योंकि केक भी बांटा जा रहा है तो वहीं कैंडल्स भी जलाई जा रही है, बहुत सारी इच्छाएं अपनी लेकर लोग पहुंचते भी हैं, विशेज होती हैं, वो विशेज पूरी हो जाएं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे। जयश्रिका, अब आप बताएं आप कहां पर मौजूद हैं, ज़रा तस्वीरें और लोगों से बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल मेघा, मैं अभी जयपुर के जीटी मॉल के अंदर मौजूद हूँ। जीटी मॉल जयपुर का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पर कोई भी त्यौहार हो तो भीड़ होना तो पॉसिबल है ही, और ये तो होता ही है कोई भी त्यौहार हो तो। जीटी में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने त्यौहार में और चार चांद लगाते हैं, इसको अच्छे से इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जीटी में जो कि सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है वो सजाया गया है, पूरे जीटी को लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया है, क्योंकि सिर्फ क्रिसमस ही नहीं एक दिवाली वाइब्स दे रहा है यहाँ पर। जीटी और जितने मॉल्स हैं उन सभी में एक कंपटीशन होता है कि हाँ क्रिसमस पर किसकी सबसे ज्यादा अच्छी डेकोरेशन होने वाली है, तो जीटी को देखकर लगता है कि जीटी ने जो है सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिसमस ट्री तैयार किया हुआ है, इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है यहाँ पर, जिसे देखने के लिए यहाँ पर सिर्फ जयपुर राइड से नहीं जयपुर के बाहर के लोग भी आए हुए हैं। लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के लेकर आए हैं और जो यहाँ का नज़ारा है, यहाँ की जो डेकोरेशन है इसका लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ के जो वेकेशन चल रहा है, ये जो वेकेशन वाला वीक है जो दिसंबर का जाता वीक है, इसको और अच्छे से मनाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर
खड़े होकर लोग सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे यंगस्टर नजर आ रहे हैं, जरा इनसे बातचीत कीजिए, इनसे पूछिए कि किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या 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 आज उन्होंने सोचा है, क्या विशेष वो मांग रहे हैं, क्या कुछ वो आज करने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ और इनसे जान लेता हूँ। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इस बार ही आप क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत अच्छे से वैसे तो, और क्या बोलते हैं, वैसे अच्छा है। मैंने वैसे पहली बार आके देखी हूँ यहाँ पे, पर अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। ये जो क्रिसमस के डेकोरेशन है, ये आपको कैसी लगी? ये डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लगा है। हम यहाँ दौसा जिले से इसको देखने के लिए आए, ऐसे गाँव से आए, यानी शानदार डेकोरेशन है। तो अभी आप यहाँ से जाने के बाद क्रिसमस पर और क्या कुछ करने वाले? इसके जाने के क्रिसमस डे ऐसा ही मनता रहे, इससे भी बढ़कर आगे बढ़ के हम भी बार बार देख रहे हैं, और भी हमारे साथ और भी लोग आए हमारे साथ देखने गाँव से, ये ऐसी बात। बच्चों के अंदर क्रिसमस को लेके खास उत्साह रहता है, इनसे जान लेते हैं कि ये जो डेकोरेशन हुई है जीटी में कैसी लग रही है? बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत अच्छी है, सुंदर है, और सारी जगह ना बहुत ब्यूटीफुल और किया और बस सुंदर है। तो क्रिसमस का गिफ्ट मिल गया आपको? अभी तक तो नहीं मिला। क्या चाहिए गिफ्ट? कुछ भी, एनीथिंग। तो यहाँ पर लोग इतने ज्यादा उत्साहित है क्रिसमस को लेकर, उनको जो नए गिफ्ट्स मिलने वाले हैं वो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। यहाँ पर एक फैमिली है, हम इनसे बात कर लेते हैं कि मैम आप जयपुर से आई? जी बिल्कुल। तो ये जो डेकोरेशन हुई है यहाँ की, ये कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। तो क्रिसमस पर अभी यहाँ से जाने के बाद आप केक कट करने वाली है या नहीं? बिल्कुल केक कट करेंगे। क्रिसमस पर आप और क्या खास करती है? बस इंजॉय, फन, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, फैमिली के साथ। और यहाँ पर लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्रिसमस पर आप बताओ आपको सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे चाहिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह, टॉयज, ये चाहिए। जिंगल बेल वाला सॉन्ग आता है आपको? हाँ। गाके सुना? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग नाउ, यू आर एट द ग्रे, हे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग नाउ, यू आर एट द ग्रे। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेंगे कि यहाँ पर ये है जो फोटो क्लिक कर रहे थे यहाँ के डेकोरेशन के, इनसे जान लेते हैं कि क्रिसमस पर आप क्या खास करते हैं? क्रिसमस पर हमारे पूरी फैमिली के साथ आए हम, ट्रिप बना के, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, फन वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर के अंदर ही आपका वेकेशन कैसा जा? जयपुर के अंदर बहुत अच्छा वेकेशन जा रहा है, हम फिलहाल अब प्लान कर रहे हैं इधर आमेर वगैरह तीन चार जगह देखनी है, अभी हम 3 दिन हुए अभी रुके हुए यहाँ पे जयपुर में, काफी अच्छा लग रहा है घूमते हुए। अच्छा बिल्कुल जयश्रीका, आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन आपके आसपास बहुत गैदरिंग नजर आ रही है, यानी कि भीड़ नजर आ रही है, इसका मतलब कि लोग जैसे जैसे ये वीक आता है, हॉलीडेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो लोग बाहर से भी आना शुरू करते हैं, जो कि लोग कह भी रहे हैं। जितेंद्र आपका रुख करेंगे, जोधपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ भी फेस्टिव माहौल बना हुआ है, और क्योंकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है तो ऐसे में लोग घूमने भी बाहर से आते हैं। लौटूंगी आपके पास, लौटती हूँ आपके पास आऊंगी दोबारा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जीएडी से राजभवन को मिले तैयारी के निर्देश, मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के निर्देश मिले हैं, राजभवन जुटा है अब तैयारियों में, 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, गठन हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन को लेकर इस वक्त की ये जानकारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हो चुका है और अब इंतजार राजस्थान का किया जा रहा है, और क्योंकि राजभवन अब तैयारियों में जुटा हुआ है तो ये माना जा रहा है कि 27 दिसंबर यानी कि परसों ये मंत्रिमंडल का गठन शपथ ग्रहण हो सकता है, 27 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन हो सकेगा। लेकिन क्योंकि राजभवन को इसके निर्देश मिल गए हैं और राजभवन में इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां होने का मतलब है कि जल्द ही ये शपथ ग्रहण हो जाएगा, इस हफ्ते के अंदर, इस सप्ताह के अंदर ये शपथ ग्रहण हो सकता है।
दिनेश डांगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, कोई तारीख लगभग तय मानी जा रही है कोई इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर? जी देखिए मेरा इस वक्त की बड़ी खबर है, जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां देखते हैं, उन्होंने राजभवन को बाकायदा राज्यपाल को मैसेज यहां पर कर दिया है कि आप शपथ ग्रहण की जो तमाम तैयारियां है उसको रखिए। और आज बाकायदा राजभवन में राज्यपाल ने एक बैठक की थी जिसमें तमाम जो वहाँ कर्मचारी अधिकारी है उनको कहा कि इस तरह का मैसेज मिला है तो शपथ ग्रहण की तैयारी रखिए। तो पूरी संभावना है कि 27 दिसंबर यानी बुधवार को भजन लाल सरकार का जो मंत्रिमंडल गठन है और विस्तार है वो यहाँ पर हो सकता है। कल किसी तरह का शपथ ग्रहण नहीं होगा, यह भी राजभवन के सूत्रों के हवाले से क्लियर हो चुका है, लेकिन बुधवार यानी 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार हो सकता है। इस वक्त की यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और करीब 18 से ज्यादा मंत्री भजनलाल की सरकार में है वो बनाए जा सकते हैं और टोटल मेगा टीम। जी दिनेश, इसको लेकर कोई फोन किसी के पास अभी तक गए हैं इसको लेकर जानकारी आ रही है? देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मेगा कल रात को ही मध्य प्रदेश में फोन किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, तो पूरी संभावना है कि कल ही जो विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं उनको कल रात से फोन आने शुरू हो जाएंगे कि आप राजधानी जयपुर में पहुंचिए और आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो कल रात को ही ये फोन किए जाएंगे और राजस्थान सरकार में जो संवैधानिक है उसके तहत सीएम सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो अभी 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम यानी 3 कह सकते हैं कि बन सकते हैं 27 मंत्री बनाए जाने हैं। लेकिन जिस तरह सुशील जोशी ने बयान दिया कि अभी छोटा मंत्रिमंडल होगा और लोकसभा के बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन ये तय है कि 18 से ज्यादा कई 20 के आसपास भजनलाल सरकार में मंत्री बुधवार को 27 दिसंबर को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से क्रिसमस की तैयारियां, खूबसूरती, क्रिसमस पर कैसे लोग बाहर निकले हैं, न्यू ईयर के लिए भी क्योंकि लोग पहुंचते हैं बाहर घूमने जाते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जरा एक बार फिर से बताएं। आप लोगों को ये प्रोग्राम जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सेंटा जो पहुंच चुका है और गिफ्ट बांटे जा रहे हैं क्योंकि पहले यहाँ पे केक काटा गया और सेंटा को जैसे ही पहुंचा तो बच्चों में बड़ा उत्साह नजर आया, बच्चे काफी उत्साहित नजर आए क्योंकि सेंटा को अपने बीच में देख रहे हैं। सेंटा जब भी आता है तो बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है, कहीं ना कहीं बच्चों में काफी उत्साह है, काफी खुश है। यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, हर बार आप यहाँ कोई ना कोई आयोजन करते हैं, आज क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आयोजन कर रहे हैं? आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का क्लब में आयोजन किया गया है और क्लब के काफी सदस्य और बच्चे और उनके परिवार के सदस्य सब लोग इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे अपने घर से निकलकर इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए। बिल्कुल, देखिए बच्चे दिखाना चाहेंगे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे, युवा हैं, महिलाएं हैं। जी ठीक है, आप जितेंद्र बच्चों से बातचीत कीजिएगा क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा इस दिन को लेकर एक्साइटमेंट होता है, सेंटा क्लॉज को लेकर एक्साइटमेंट होता है। लेकिन तब तक नवीन का रुख कर लेते हैं, नवीन अजमेर से जुड़े हुए हैं। नवीन, अजमेर में क्या कुछ तस्वीरें आज क्रिसमस की? जी बिल्कुल मेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक नगरी अजमेर में हर त्यौहार का एक अलग ही महत्व है और अगर क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस को लेकर जो अजमेर के जितने भी चर्च हैं उनमें विशेष सजावट की गई है। वहीं अगर एंसलम चर्च की मैं बात करूं जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां विशेष सजावट की गई है और आप देख सकते हैं कि आकर्षक लाइटिंग हो और यहां पर एक मेले का भी आयोजन किया गया है और यहां आने वाले लोगों के लिए यहां पर झूले और जो स्टॉल्स है खाने पीने की स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाई गई है। अब हमारे साथ में एक छोटा सेंटा मौजूद है, मेगा इससे बात करते हैं कि छोटा सेंटा ने किस तरीके से ये सेलिब्रेट किया क्रिसमस को, किस तरीके से सेलिब्रेट किया? हमने ना क्रिसमस को इस तरह से
सेलिब्रेट करा है, हमको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं, हाँ हमने बहुत खेला भी है, हाँ हमने पार्टीज भी करी है, ये सबसे हमें ना खुशियाँ करी है। इस बार क्रिसमस पे आपने क्या विश मांगी है? मैंने BMW मांगी है। तो इस बच्चे ने BMW कार विश मांगी है मेगा, और हमारे साथ अच्छा जरा नवीन पूछ भी लीजिए BMW कार कैसी होती है, जरा बच्चे को पता भी है या फिर जो मम्मी पापा की सुन के फिर उसने ये विश मांग ली? सब है तो बहुत मजा आता है जी। मेगा एक मिनट, BMW कार कैसी होती है आप जानते हैं उसके बारे में? मैंने मोबाइल में देखा था BMW कार, तो मेरे को शौक हो गया BMW कार है, बस एक बार आ जाए मेरे पास। मेगा जैसा आपने देखा बड़े ही स्वीट अंदाज में इस बच्चे ने कहा कि मैंने मोबाइल में ये कार देखी है, और इस कार को देख के वह इतने दीवाने हो गए इसके कि आज जो उन्होंने इशू से आज ये विश मांगी है। कुछ लोग और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है जी? कितना उत्साह है क्रिसमस को लेकर? जी बहुत ज्यादा उत्साह है। किस तरीके से सेलिब्रेट किया आपने क्रिसमस को? खाने पीने की चीजें खाई, स्टॉल्स, आइसक्रीम एंजॉय किया, झूलों का बच्चों को झूलों खिलाए और मजा किया, यहाँ डांसिंग डे की प्रोग्राम जो भी चल रहा है काफी एंजॉय। तो जैसा मेगा आपने सुना जी, खाने पीने की स्टॉल्स पे इन्होंने लुत्फ उठाया, और लोग जो भी है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखेंगे, पूजा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जयपुर की तस्वीरें देख लेते हैं। और जयपुर में क्या कुछ, क्योंकि देखिए पूजा लोग कह रहे थे वो बाहर से भी आए हुए हैं और वो क्रिसमस पर आते हैं, लोग न्यू ईयर पर आते हैं, जयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, जरा अभी लोगों किस तरह से जो केक है बनाया गया है, बांटा जा रहा है, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, वो क्या विशेष मांग रहे हैं, ये बातचीत कीजिए ज़रा। बिल्कुल मेगा, अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे चर्च में मौजूद हूँ, चर्च की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे प्रेयर चल रही है, लोगों का आने जाने का सिलसिला वो लगातार जारी है, और यहाँ पर कितना पीस है, कितनी पॉजिटिविटी है, वो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं फील खुद कर पा रही हूँ कि कितनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। लोग बाहर जितना लोग एक्साइटेड हैं, वहाँ उतना ही अंदर आकर वो पीस जो है वो फील कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चर्च की, ये यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है लगातार, कुछ टाइम पहले से ही चर्च को सजाना स्टार्ट कर दिया गया था, उसके बाद में अभी आप ये बिल्कुल साफ तौर पर लाइव तस्वीरें देख पा रही होंगी वहाँ पर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ईसा मसीह जो थे उनका जन्मदिन है, तो उस तरीके से जब किसी का जन्मदिन होता है तो उसको सजाया जाता है, घर हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसको सजाया जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर की गई है, सजाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बाहर की, बाहर किस तरीके से लोग जो है क्रिसमस ट्री के साथ में सेल्फीज ले रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, और कितना ज़्यादा अपने अपने कैमरे में ना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस मोमेंट को। ये देखिए यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगी कि जो यहाँ पर क्रिसमस ट्री बनाया गया है वो दिखाए, और कितना सुंदर, हम हमेशा ना फिल्मों में देखते हैं मेगा कि किस तरीके से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और डेकोरेशन करते हैं, और वहाँ उसके नीचे जो गिफ्ट्स होते हैं उनका वेट करते हैं कि अब हमें सेंटा क्लॉस आकर देगा, वही सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, गिफ्ट्स भी रखे गए हैं यहाँ पर। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ गिफ्ट्स जो है उनको दिखाए, और अब जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको एक्साइटमेंट है कि उनका सेंटा आएगा और वो आकर उन्हें गिफ्ट्स देगा। यहाँ पर लोग हैं, यूथ है, यूथ में काफ़ी एक्साइटमेंट है, इनसे बात कर लेते हैं। इस बार आप क्रिसमस कैसे मना रहे हो? हम लोग तो मतलब चर्च वगैरह आ करके कैंडल जला के एंड घर में सेलिब्रेट करके, और इसे नॉर्मल तरीके से हम लोग सेलिब्रेट। ये देखा जाता है कि यूथ में चाहे कोई सा भी धर्म हो, कुछ भी हो, पर हम लोग क्रिसमस को बहुत, कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। तो इस बार कोई विश हो जो आपकी मांगी हो आपने? विश तो यही है कि सबसे फर्स्ट तो कोरोना नहीं रहना चाहिए, कोरोना जल्दी से जल्दी आना चाहिए, और सब लोग हैप्पीली स्टे अच्छे से रहें और अच्छा एक एनवायरनमेंट में रहें, बस एक ही। देखिए यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्रिसमस कैसे मना रहे हो? क्रिसमस कैसे मनाया आपने? बताओ। बहुत अच्छा। अच्छे से मना, आपका बताइए कैसे क्रिसमस? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद एक फोटो। चर्च आए हैं आप, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिसमस यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा त्यौहार लग रहा है, ये हर बार आते हैं हम तो, ये हर साल आते हैं यहाँ पे।
हर साल आते हैं बिल्कुल। मैं जो आपको शुरू से एक चीज बोल रही हूँ कि चाहे कोई सा भी धर्म हो, पर हम फेस्टिवल जो है, त्योहार जो है, सब मिलजुल कर मनाते हैं। और जो मंदिर हो, चर्च हो, चाहे हम गुरुद्वारे की बात कर ले, हर जगह जाते हैं। ठीक है, जयश्रिका का रुख कर लेते हैं। जयश्रिका भी लगातार बनी हुई है। जयश्रिका, आपके आस पास क्योंकि अब जीटी मौजूद थी तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भीड़ भी बहुत सारी नजर आ रही है, लगभग कितनी भीड़ होगी? और क्योंकि जब लोग होंगे तो आसपास एरिया में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी होगी, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या पुलिसकर्मी या गार्ड्स भी लगाए गए हैं? जी बिल्कुल बेगा, यहाँ पर मेरे आसपास में जो लोगों की भीड़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर का जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, वो और ज़्यादा निखर कर बाहर आ रही है। इधर अभी तक तो भीड़ थी ही, लेकिन जैसे जैसे कि यहाँ ना टाइम निकलता जा रहा है, वैसे वैसे जो लोग हैं यहाँ पर और आते जा रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं अपनी, और जो कि क्रिसमस का मज़ा है, जो छुट्टियों का मज़ा है, वो पूरी तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी है, इतने सारे लोग हैं, हम इनसे और भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये लोग अपने दिन को किस तरह से खास मना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि अच्छा, आप क्रिसमस इस बार कैसे सेलिब्रेट करने वाले? हम ट्री लगा के उसके ऊपर लाइटें, गिफ्ट ये लगा के सेलिब्रेट करने वाले हैं, और टॉफियां बांटेंगे बच्चों को, गली गली में घूम के डांस वांस करेंगे बस ऐसे ही, और घूमने जाएंगे ऐसे। तो अभी जो जीटी में ये डेकोरेशन हो रही है, वो लोगों से, बच्चों से खास तौर पर, कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस सांता क्लॉस के लिए मनाया जाता है, गिफ्ट्स के लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जरा उनकी जनरल नॉलेज भी थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। तो जयपुर की जो क्रिसमस की जो वाइब्स है, ये कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छे लग रही है। हम लोग का क्रिसमस है और हम लोग इसीलिए हम लोग बहुत दूर से आके इनको देखने के लिए आए, और बहुत अच्छा लगता है सबको। हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस बहुत बहुत सबको, जितने जन आए हमारे जीजस का, थैंक यू वेरी मच। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, जितने भी और तरह के लोग हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, और जो क्रिसमस के मजे हैं, जो क्रिसमस के लुत्फ है वो उठा रहे हैं। कि इधर और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर खड़ी है कि अच्छा, जयपुर से ही आई है? हाँ, मैं लालकोटी जयपुर से आई हूँ। तो अभी तो जीटी के अंदर इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, वो कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, हर तरफ हो रही है, WTP GT और हर तरफ अभी क्रिसमस का ही माहौल। तो अभी यहाँ से जाने के बाद आपका क्या प्लान है क्रिसमस को लेकर? अभी तो मैं पहले चर्च गई थी मानसरोवर में, और अभी हम लोग जीटी की डेकोरेशन देखेंगे, फिर WTP में जाएंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे, क्योंकि PG में रहते तो लेट तक अलाउ। आप देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है जयश्रिका, और जल्दी से जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र डूडी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा एक बार तस्वीरें और जल्दी से दिखा दीजिए, लोगों से हो सके बातचीत कीजिए। और लगभग ये जो लोग पहुंच रहे हैं या जो अभी सब सेलिब्रेशन चल रहा है, कितने बजे तक ये ओपन रहेगा? देखिए बिल्कुल, सेलिब्रेशन तकरीबन समापन की ओर है, क्योंकि लोग जो हैं अब यहाँ पे सांता क्लॉज जैसे ही सब बच्चों से मिलके और गिफ्ट्स देके यहाँ से निकल चुके हैं, और जो बच्चे हैं वो यहाँ एंजॉय करें। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जरूर बात करेंगे कि वो सेलिब्रेशन आज किस तरीके से कर रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आज सेलिब्रेशन आज का सेलिब्रेशन वॉज लाइक वाओ, इट वॉज वेरी। चलिए ठीक है, अजमेर का रुख कर लेते हैं। अजमेर में क्या तस्वीरें हैं वो देख लेते हैं। नवीन, अजमेर का जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर सेलिब्रेशन कब तक खत्म होगा? जी मेगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अजमेर में जो एंसलम स्थित चर्च है, यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और पहले जहाँ चर्च के अंदर प्रेयर की जा रही है, वही उसके बाद मेले का लुत्फ उठाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चर्च के अंदर क्रिसमस ट्री और जो प्रभु यीशु से संबंधित यहाँ आकर्षक सजावट की गई है, और आकर्षक जो ये लगाए गए हैं स्टैचू भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वह इन स्टैचू और जो क्रिसमस ट्री है इसके साथ में फोटोग्राफी और सेल्फी लेते हुए साफ देखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तस्वीरें नजर आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, और आने वाले कुछ दिन, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है, तो उसकी भी धूम नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें दिखाने के लिए।
तो उम्मीद यही है कि आपके दिन भी खुशियों भरे हों। ये साल जरूर जा रहा है, नया साल आए, नए साल भी खूब सारी खुशियां लाए, और सांता क्लॉज जैसे सब बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है, आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए।